वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी के सामने हिंदू की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी बारे अपने विचार पेश कर जा रही हाँ। शहीद कौम की उसारी दे नीह पत्थर हुंदे हन। सच्चा मनुख ओही हुंदा है जो दूजे लई अपना जीवन वार दिंदा है। हिंदू की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की राखी लई अपनी कुरबानी दे दिती। आप जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं दिन ऐतवार नूं अमृतसर विखे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे घर माता नानकी जी दी कुखों होया। गुरु जी बचपन तों ही संत स्वरूप निर्भय अते गंभीर सुभा दे मालक सन। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे ज्योतिजा समाउण तों बाद आप पिंड बकाला विखे आ गए। उत्थे आप ने 20 साल भौरे विच बैठ के सिमरन कीता। गुरु जी दा व्याह माता गुजरी जी नाल होया। उन्हां दे आप जी दे सपुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सन। 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी ने ज्योतिजा समाउण तों पहला बाबा बकाले संगतां नूं बाबा बकाले कह के आप जी नूं गुरगद्दी सौंपी। बकाले तों आप कीरतपुर साहिब आ गए। उत्थे आपने जमीन खरीद के अनंदपुर साहिब नगर बसाया। गुरु जी दे समय मुगल बादशाह औरंगजेब दे हुक्म अनुसार कश्मीर दे हिंदुआं नूं तलवार दे जोर नाल मुसलमान बनाया जा रहा सी। दुखी कश्मीरी पंडित गुरु जी दे कोल फरियाद रह गए। गुरु जी अजे सोच ही रहे सन कि बालक गोबिंद राय आ पुजे अते गुरु जी नूं कहन लगे, पिता जी तुसी की सोच रहे हो? तां गुरु जी ने उत्तर दिता, किसे महान व्यक्ति दी कुर्बानी दी लोड़ है। तां बालक गोबिंद राय जी ने कहा, पिता जी तुहाडे तों ज्यादा वध महान व्यक्ति होर कौन हो सकता है? तां बालक गोबिंद राय जी दे कहन ते गुरु जी चांदनी दिल्ली विखे अपने साथियां नाल पहुंच गए। उत्थे उन्हां नूं इस्लाम धर्म ना कबूल करन ते चांदनी चौंक दी कोतवाली विच अनेकां तसीहे दिते गए। पहला उन्हां दे साथियां नूं शहीद कीता गया ते फिर बाद विच ओह वी शहीदी देण लई तैयार हो गए। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।